हाय गाइस, देयर्स गुलमर्ग, नहीं बोला। ओ गाइस, वेलकम बैक। फाइनली हम लोग पोनी राइड कर रहे हैं गुलमर्ग में। तो चिल्लाओ मत, ये करो बंद। हाँ, ये बंद नहीं करूंगा। और करो बंद, मैं तोड़ नहीं करूंगा। अब तोड़ कर दिखाओ ना, फिर तोड़ोगे मैं कर दूंगा। इतना मैं कर सकता हूं। एक बदतमीज से आप मत करो, बदतमीज से मत करो, आप बदतमीज से मत करो। हम मजदूर है, जाके मोदी को दिखाना मजदूर है, डरने वाला। एक गलती मुझसे जो हुई है, जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ताकि वो गलती आप लोगों से ना हो। गलती ये हुई ना कि कभी भी, हाँ, होटल्स के बारे में आपको मैं बता दूं, यहाँ के लोग ना ऑनलाइन होटल जो बुकिंग करते हैं ना हम लोग, तो ये लोग उतना उसको वैल्यू नहीं देते हैं। वो लोग फिर बुकिंग कैंसिल कर देते हैं और ऑफलाइन बुकिंग ले लेते हैं। और ऑफलाइन बुकिंग वो लोग इसलिए लेते हैं कि ऑनलाइन में तो काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, और ऑफलाइन में वो अच्छे अच्छे रेट्स में ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा रश रहता है ना कि बस बुक, उनका होटल खाली रहता ही नहीं है। तो आप जब भी ऑनलाइन बुक करो और आपको पे एट प्रॉपर्टी आता है, तो आप उस प्रॉपर्टी कांटेक्ट करो, उनसे बातें कर लो कि भाई हम इस टाइम पे आ रहे हैं, सब कुछ कंफर्म है, या कोई भी चेंजेस है तो आप हमें अभी बता दीजिए, ताकि फिर मैं जब आऊँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर करना। और दूसरी चीज़ ये है, जब booking.com से हमने बुक किया, तो एक प्रॉब्लम हमें ये फेस करना पड़ा कि वहाँ पे जो प्राइस हमें लेके आता है वो हम देख के तो बुक कर देते हैं, जब होटल में जाते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं। तो इसके लिए मैंने फिर रिसर्च किया और उनसे ही बात किया, बुकिंग की बात किया, तो वो लोगों ने बताया GST ना वो लोग ऐड नहीं करते हैं, लोकल टैक्सेस होटल में ही जाकर पे करना पड़ता है। वो आपको ना, जब आपको ईमेल आता है तो उसमें नीचे में लिखा रहता है GST अमाउंट कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना है, तो आप स्पेशली वो अमाउंट भी आप चेक कर लेना बिफोर चेकिंग टू द होटल। आपने व्यूज देखा, कैसा लगा? सच में यार, कातिलाना व्यूज है, मतलब दिल खुश हो जाएगा। Hi guys, it's Gulmar, नहीं बोला। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। सो गाइज, वेलकम बैक। फाइनली हम लोग पोनी राइड कर रहे हैं गुलमर्ग में, एंड अब हम ग्लेशियर के पास जा रहे हैं। तो अब हम लोग चार लोग हैं, और अब आसमान का नज़ारा देखो गाइज, कितना ऑसम है। बट सूरज मत छिपना यार, अगर सूरज छिप गया तो हमारे व्यूज सही नहीं आएंगे। हम लोगों को यहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लगा, और उसके बाद थोड़ा सा हमारे हॉर्स की बार्गेनिंग में भी ज़्यादा वक्त लग गया, ऑलमोस्ट समझ लो आधा से पौना घंटा चला गया। हमारा फाइनल सफ़र शुरू हो गया है, और इन्होंने बताया है कि एक से सवा घंटा लगेगा। भाई एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? जाना हमें 5 घंटा लगे, 5 घंटा लगे आना जाना, मतलब वहाँ पे हम लोग जो रहेंगे वो सब मिलाकर, उसके बिना। तो इन्होंने 5 घंटा बताया है, 4:30 बज रहा है, तो रात का 9:30 बज जाएगा। नहीं तो अंधेरे में इसको रास्ता दिखता है? इनकी ट्रिप रिटर्न आ रही है, और हम अब जा रहे हैं शाम के वक्त में। तो शाम के वक्त का कैसा नज़ारा होगा वो तो देखने वाली बात होगी, बट मुझे इतना पता है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा होने वाला है दिन के वक्त। अरे बचाओ, ओह माय गॉड, चिल्लाओ मत, ये करो बंद। हाँ, ये बंद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप बदतमीजी करोगे मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा एज अ प्रूफ। अगर आप सही से बात करो तो मैं भी सही से बात करूंगा। मैंने क्या बोला आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप मेहमान हूँ मैं आपका ना, ठीक है? मैं वादा करता हूँ मैं कल आऊंगा, और कल मैं भी ना गाइड करता हूँ। तो हमें क्या है, आप गाइड नीचे से लाया, कोई नीचे हमारा अपना मजदूरी दे दो सर, हमने क्या किया? वही तो मजदूर, नाटक क्या होता है? अब तोड़ कर दिखाओ ना, फिर तोड़ोगे तो क्या, ये क्या बात है आपकी? मुझे क्यों उठाता है आप? नहीं, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ना कि आप मुझे सही से बात करो। आप मुझसे मैंने बोला क्या आपको? तो कुछ नहीं बोल, फिर डर क्यों रहे हो? तो डरता किस बात का है? घोड़ा दिया, पैसा दे दो। मैंने घोड़ा का राइड नहीं किया, नहीं गया, ऊपर हमारा क्या कसूर है सर? इसीलिए कसूर ये है सर, आप खुद ही समझो ना, अंधेरा हो रहा है, पहले भी सोचना था। ये तो आपको बताना चाहिए, मैं पहले ही बोला, मैंने वहीं पे बताया कि मेरे को है पूरा रिकॉर्डिंग करना है। आप लोग तो गाइड है ना, आपको मालूम है ना जो पैसा है ना सर। सर सुनो मेरी बात,
अगर आपको कल सुबह सर्जरी हंड्रेड परसेंट अपना एक आईडी छोड़ो और हाफ पेमेंट करो सर। नहीं हाफ पेमेंट नहीं कर चलेगा, मैं आपको 1000 रुपए में दे दूंगा, बाकी मैं कल इतना मैं कर सकता हूँ। आप बदतमीज़ी से बात मत करो, मजदूर है जाके मोदी को दिखाना, हम मजदूर है डरने वाला बंदा नहीं है ना सर। आईडी दे दो, 100 बार आपने झूठ बोला। आईडी कहाँ है? आप है ना बोलो बोलो आपके साथ है ना। सलमान रिकॉर्ड एवरीथिंग, सलमान आईडी दे दूंगा, आईडी कैच इट, आईडी दे आपको, ये इसी पैसे में घुमाएगा। वही बात है, क्या कोई बात आराम से करो ना, जब हम आए तो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे यार, बाबा बदतमीजी कर रही है सर। नहीं सही है तो मत बात करो ना यार, कोई अच्छे से बात कर सकते ना यार। कोई बात नहीं, आप बंदा बाहर घूमने आए हुए ना यार। हाँ, सब लोग आराम से घूमे, हम की कैसे दे सकते हो हमको यार? आईडी का फोटो दे दो, हम हाफ पेमेंट दे दो सर जी, आईडी का फोटो, कल सुबह हम इधर मिलेंगे आपको। गोडे तो कल के हम लोगों को लफड़ा नहीं चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसी पेमेंट में सर, ऐसा कुछ कल आज अगर कितना दे रहे हैं, कल कितना देना होगा वीडियो में बोल दीजिए। आज मैं आपको 2000 रुपए दे देता हूँ, कल बाकी 4000। ठीक है भाई, वीडियो बन गया। ठीक है भाई, आपका नाम क्या है? बिलाल अहमद वानी। बिलाल अहमद नाम है, बिलाल अहमद वानी है। हाँ, हम इससे वादा करते हैं, अभी हाफ पेमेंट करो, कल आएगा, कल घुमाएगा इसी पेमेंट में। हाँ, हमारा टोटल 6000 का डील है, 2000 में अभी दूंगा, कल 4000 पे दूंगा। गोल सितारा गेस्ट हाउस लिया है, यहाँ से इसका जाने का रास्ता है, थोड़ा पीछे है, लेकिन बाहर का जब आप नज़ारा देखोगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो ये ऐसा होटल का आउटडोर है, यहाँ पे रात के टाइम बैठने का है, यहाँ पूरा गार्डन छोटा सा है बैठने के लिए, आराम करने के लिए। और ये होटल का नज़ारा है कुछ इस तरह से, इसकी एंट्री है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, हम लोगों को फर्स्ट फ्लोर में मिला है। चलो गाइस, तो मैं आपको हमारा रूम टूर करवाता हूँ। तो ये गेट की एंट्री है, हमारी रूम की एंट्री है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। ये हमें दो बेड मिला है, एक बेड ये है और एक बेड वो है, बड़े बड़े, काफ़ी बड़े, डिसेंट इनफ है, साइज़ भी अच्छा है, दो लोग इसमें आराम से सो सकते हैं और दो लोग इसमें आराम से सो सकते हैं, और बीच में काफ़ी गैप भी है। तो यहाँ कर्टन लगा है, ये गार्डन व्यू है रूम का, तो यहाँ से गार्डन का व्यू आता है। इसको थोड़ा खोल कर दिखा दूँ आपको, देखिए ये गार्डन का व्यू है रूम के अंदर से, बहुत ही प्यारा है। और बारिश हो रही है गाइस, आपको पता है बारिश में कितना मज़ा आता है। तो ये ऐसा यहाँ बाहर का सीन था, और इस साइड से ना पार्किंग व्यू है, तो ये हमारा पार्किंग व्यू हो गया हमारे रूम से। हमारा रूम है फर्स्ट फ्लोर पे ही है। सो गाइस, वेलकम बैक। अभी मैंने आपको मेरा रूम दिखाया, तो अब हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा था, कैसे कैसे क्या गया। हुए तो हमारे साथ बहुत सारे हादसा। जब तन्मक की एंट्री होती है तो वहाँ पे एंट्री फीस लगता है, तो हमने वो एंट्री फीस दिया, और वहाँ पे एक बंदा था एज अ गाइड, तो उसने बोला आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हमने बताया कि हम वहाँ आगे जा रहे हैं सब। तो मैंने उनको बोला कि एक्चुअली गंडोला राइड जो होती है ना, वो हम लोगों को करना था, लेकिन उसके टिकट की बुकिंग 4 से 5 दिन पहले हो जाती है, ये बात मुझे पता नहीं थी। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे आया तो वो टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, होटल वाले ने बोले कि आप वहाँ पे चले जाओ जहाँ पे ई टिकट काउंटर है, और वहाँ पे ना बहुत सारे एजेंट रहेंगे, तो आपको ब्लैक में टिकट मिल जाएगा, वहाँ पे ब्लैक में मिल जाता है। तो मैंने बोला चलो उनसे पूछ लेते हैं, उस गाइड को मालूम होगा। तो गाइड बोला चलो ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा, चलो करवाते हैं। तो वो हमें लेकर गया पोनी राइड के लिए पहले। वहाँ पर जब वो लेकर गया तो हमने वहाँ पे पहले कोल्ड क्लोथेस वगैरह लिए, जैकेट वगैरह सब रेंट पे लिए, जैकेट बूट्स एंड ऑल। तो वहाँ पे उसने रेंट का चार्ज बताया 500 रुपीज़, जो कि कहीं नहीं है, पर उसने हमें 500 बोला, लेकिन डिस्काउंट होने के बाद हमारा 250 में डील हो गया उससे। ठीक है, उसके बाद हॉर्स वाले के पास गए, पोनी के पास, पोनी राइड के लिए गए, तो उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने 10,500 रुपये बताया एक एक घोड़े का, एक एक बंदे, जो कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे मालूम था कि
मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे थे कि 1000 से 1200 में रील हो जाता है, तो मैंने उनको 1000 रुपीज़ बोला। वो बड़े सारे शौक हो गए, आप घूमने आए हो नहीं आए ऐसा, तो बहुत कुछ बोलने लगे। मैं बोला ठीक है भाई, आपको नहीं जम रहा है, नहीं करना है, खलास, कोई ज़बरदस्ती है क्या, मुझे नहीं करना है। तो बात होते 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 1500 तक में डील हो गया। लेकिन एक गलती मुझसे जो हुई है, जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा ताकि वो गलती आप लोगों से ना हो, गलती ये हुई ना कि कभी भी आप कश्मीर में घूमने आ रहे हो ना, कहीं भी जा रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़ आप गाइड मत लेना। वो क्यों, मैं आगे बताता हूँ। दूसरी चीज़ कि आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग निकलो, बिल्कुल भी लेट मत करो, बिकॉज वहाँ पे ऊपर जाने के लिए, ग्लेशियर्स पे जाने के लिए और साइट विजिट करने के लिए टोटल 5 से 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। फिर आप एक्स्ट्रा वर्क कितना बिताते वो अलग। तो वो हम लोग वहाँ पे 4:30 बजे के आसपास पहुँचे ही थे, और मुझे लगा सिर्फ ग्लेशियर्स पे जाना है, तो उसी हिसाब से सोचे कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सनसेट होता है शाम को 7:45 बजे, तो इसके लिए हमने बोला चलो ठीक है। लेकिन मौसम ख़राब था, बारिश भी होने लगी थी और बादल पूरा घिरा था, तो एकदम अंधेरा ऐसा था, तो मेरे कैमरे में कुछ सही से रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा था। तो हमने बोला भाई इसको हम लोग नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, आपसे हमारी डील हुई है 1500 रुपये पर हेड में, ठीक है, मैं आपको 800 रुपये दे दे रहा हूँ और मेरे को यहीं पर आप वापस रिटर्न लेक्चर हो। मतलब 10 मिनट भी नहीं चला मैंने से, 10 मिनट भी नहीं चला हुआ था मेरा, तो बस वो लड़ने लगे। मतलब पहले इतने अच्छे से बात किए, इतने अच्छे से बात की, बाद में एकदम लड़ने लगे, झगड़ने लगे। मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। फिर जाके कैसे कैसे सेटलमेंट करके हमने उनको 3000 रुपीज़ दिया। सीरियसली बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। मैं खुश हूँ, मैं मेरी फैमिली को लेकर आने वाला था, मैं नहीं लेकर आया, क्योंकि ये तो एक सीज़न का टाइम है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बोले तो एक भी हाउस बोट नहीं मिल रहा है। मैंने कितना ट्राई किया, किसी वेबसाइट से नहीं, किसी एजेंट के थ्रू नहीं, कैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस मैं बहुत ही बेकार था। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना कि कभी भी जाना है तो अर्ली मॉर्निंग लग लो, वहाँ से 8 बजे शुरू हो जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग जाओ, 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो आपको पूरा दिन अच्छे से एक्सप्लोर करने मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो शूज़ एंड जैकेट है उसका जो कॉमन रेट है वो मैक्सिमम 200 रुपये, मुझे सब मालूम पड़ गया। बाद में उन लोग बोल रहे कल आ जाओ आप, वापस हम करवा के देंगे, 150 रुपये अपने दे देना जैकेट का और बूट्स का, और हॉर्स साइड का मुझे 1200 देना। आप सामने से वो बोल रहा है, मतलब भाई आप, मुझे करना ही नहीं है। वैसे सब लोगों के लिए मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग वहाँ पे थे वो लोग अच्छे लोग नहीं थे। बाकी कश्मीरी लोगों से, बहुत लोगों से मुलाकात होती है, बातें होती है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, दिल खुश हो जाता है, लेकिन वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो फिर हम वहाँ से रिटर्न आ गए, और मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, बिकॉज ऑलरेडी शाम का 7 हो रहा है। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आपका ब्लॉग नहीं है। एक्चुअली कैसा है ना कि कश्मीर में आना, मतलब आप समझ रहे हो कि हर चीज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, इतना अच्छी जगह है ये, कि कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। जैसे फ्री रहूँगा मैं एडिटिंग करना शुरू करूँगा, भेजना शुरू करूँगा। रियली सॉरी अबाउट इट, लेकिन आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहना, और मेरे वीडियोस को देखना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों की वजह से मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो प्लीज़ ऐसे ही आप अपना सपोर्ट दीजिए। सो बाय फॉर द डे एंड हैव अ गुड नाइट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।